Good morning students and assalamu alaikum I hope you all are fine. Today' is 26th lecture of physics and we were doing chapter number two that is kinematics. And in this chapter we were discussing the terms associated with motion. आ, हमने वो सारी टर्म्स पढ़ी पढ़ ली हैं जो मोशन से रिलेट करती हैं या मोशन से लिंक्ड हैं जैसे जिनमें थी पोजीशन ऑब्जेक्ट किस पोजिशन पर है विद रिस्पेक्ट टू औरिजन हमने वो डिस्कस किया उसके अलावा बॉडी ने अगर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का कितना कितना लेंथ या कितना पाथ कवर किया है वो उस बॉडी का डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं फिर स्पीड को हमने डिस्कस किया कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देख रहे होते हैं कितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो उसकी स्पीड हो गई और वेलोसिटी क्या है बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो हमारे पास विलॉसिटी थी और उसके बाद एक्लेशन को डिस्कस किया एक्सलेसन क्या थी एक्सलेसन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ विलॉसिटी थी कि फ़ाइनल विलोसटी माइनस इनिशियल विलोसटी उसको टाइम से डिवाइड करके हमारे पास एक्सलेशन की वैल्यू आ रही थी और उस एक्सलेसन की वैल्यू में हमने सॉरी एक्सलेसन के टॉपिक में हमने पॉजिटिव एक्सलेसन भी पढ़ा नेगेटिव एक्सलेशन भी पढ़ा पॉजिटिव एक्सलेशन जब विलोसटी इंक्रीज़ कर रही है विद टाइम तो बॉडी में पॉजिटिव एक्सलेशन है और नेगेटिव एक्सीशन जब बॉडी की विलोसटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहते हैं कि बॉडी में नेगेटिव एक्सलेशन है जिसको हम रिटार्डेशन या डी भी कहते हैं तो आई होप कि आपको ये सब टर्म्स समझ आ गई होंगी अगर नहीं भी आपने ये पढ़ा तो एक दफ़ा इसको अच्छे से पढ़ लें क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड है बल्कि आगे हम जो कुछ भी पढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में वो इन्हीं टर्म्स को अगर आपको ये टर्म्स सही समझ आ गई हैं तो फिर आगे का आपको सारा समझ आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन अब हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे ये है ऑन द पेज नंबर फोर्टी पेज नंबर फोर्टी ओपन करें ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का क्या मतलब है कि अभी तक हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देख रहे थे या डिस्क्राइब कर रहे थे कि बॉडी मूव कर रही है तो उसकी इतनी स्पीड है ये इतना जैसे जैसे आप एक स्टोरी पढ़ते हैं तो आप उसे सारा पढ़ेंगे स्टोरी को फिर आपको उसके सारा आइडिया समझ आएगा कि बेसिकली स्टोरी में है क्या अब ग्राफिकल एनालिसिस क्या है ये एक पिक्टोरियल वे है जैसे आप स्टोरी uh, पढ़ते हैं और अगर दूसरा दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास पिक्चर्स की फॉर्म में एक बुक में स्टोरी है तो आप वो पिक्चर्स देखते जाएंगे आपको सारी स्टोरी आपके माइंड में बनती जाएगी तो ग्राफिकल एनालिसिस भी बेसिकली क्या है ये एक पिक्टोरियल वे है आप बॉडी कैसे मूव करिए वो हम थ्रू पिक्चर बता देंगे कि बॉडी की ये मोशन है तो वो सारा डाटा लिखने की बजाय इतना सब कुछ लिखने की बजाय वो हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस एक ग्राफ को देख के हम बता देंगे कि बॉडी किस स्टेट में है ठीक है तो इस वाले टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना है और ख़ुद से भी पढ़ लेना है अच्छे से क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ग्राफ इज़ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉमेसन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़ ग्राफ क्या है पिक्टोरियल वे है पिक्चर के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन्फॉमेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़ जैसे कि आप वेरियस क्वांटिटीज़ कौन सी हो सकती है हम डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बता सकते हैं हम इसके अलावा डिफरेंट क्वांटिटीज़ का रिलेशन ऐसे बता सकते हैं अब वो क्वांटिटीज़ जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ग्राफ में उन्हें हम कह रहे होते हैं कि वो वेरिएबल्स हैं क्योंकि उनकी वैल्यू वेरी कर रही है ठीक है इसलिए वो हमारे क्या हो जाएंगे वो वेरिएबल्स हो जाएंगे वैरी का क्या मतलब है चेंज हो रही हैं वैल्यूज़ तो ये हमारे पास वेरिएबल होते हैं जिनके दरमियान ग्राफ को प्लॉट करते हैं वन ऑफ द क्वान्टीज़ इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्वान्टी अब वो जो क्वान्टिटीज़ जिनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं ना उनमें एक इंडिपेंडेंट क्वान्टिटी होती है और दूसरी होती है डिपेंडेंट क्वान्टी ठीक है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो होती है जो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटी वो होती है जो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं आपने देखा होगा ना कि इस फॉर्म में हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं ठीक है एट्थ क्लास में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे ना जिनमें हमने ग्राफ को प्लॉट किया था ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस ठीक है एक्सिस पे हम लेते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को और वाई पे हम लेते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को ठीक है जैसे कि अगर ये नेक्स्ट देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो ये इसमें हम क्या टाइम क्या एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ये ख़ुद से टाइम चलता रहता है चलता रहता है तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम ले रहे होते हैं ऑन द एक्स एक्सिस और डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम ले रहे होते हैं ऑन द वाई एक्सिस तो डिस्टेंस क्या है से रिप्रेजेंट करते हैं ये हम हाई एक्सिस पर लेंगे और टाइम को हमने ले लिया ऑन एक्स एक्सिस अब देखें जी इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ग्राफ ये हमारे बहुत यूजफुल होता है कि हम ग्राफ के थ्रू ऑब्जेक्ट की मोशन uh, को डिस्कस करें द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज इंटरचेंजेबली वन द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन अच्छा ये बात अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जरा ध्यान से सुने जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ना तो उस केस में वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबल होते हैं इट मींस कि डिस्टेंस और डिस्प्लेस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस की जगह लिख सकते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि आप देखें कि अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में बॉडी ने मूव किया इट मीन्स कि उसने टोटल ये पाथ या ये लेंथ कवर की है तो ये इसका हो गया डिस्टेंस ठीक है अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी उतना ही होता है जितना जो है टोटल डिस्टेंस होता है तो इट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों इंटरचेंजेबल हो गए ठीक है स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबल हो जाते हैं क्योंकि जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता और सिमिलरली इफ़ द मोशन इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन अगर इसी तरह हम स्ट्रेट लाइन में स्पीड और विलॉसटी को भी देखें ना तो वो भी इंटरचेंजेबल होते हैं अब स्पीड और विलासिटी इंटरचेंजेबल क्यों होते हैं क्योंकि हमने स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था स्पीड यानी वी इक्वल होता है एस बाई टी के यानी डिस्टेंस बाई टाइम के इक्वल होती है स्पीड सही होगी बात और इसी तरह जो हमने विलासिटी की बात की थी विलासिटी क्या था विलासिटी था डिसप्लेसमेंट बाई टाइम यानी हम लिखेंगे वी इक्वल टू स्मॉल डी रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ठीक है तो अब क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं तो इस इट मीन्स के स्ट्रेट लाइन की हम बात करें स्ट्रेट लाइन के सिर्फ केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं इट मीन्स कि हम डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं हम यहाँ पर इस डिस्टेंस की जगह पे ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को तो फिर तब क्या हो जाएगा हम एस की जगह पे लिख देंगे स्मॉल डी अब देखें तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई है तो इट मीन्स कि दोनों की राइट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड सेम हो गई है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी जब वेलोसिटी और स्पीड एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी तो इट मीन्स कि स्ट्रेट लाइन में ये भी इंटरचेंजेबल होते हैं इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम को हम एक्स uh, एक्सिस पे या हरिजेंटल एक्सिस पे क्यों ले रहे होते हैं क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वाइल वाई एक्सिस शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी और डिस्टेंस हमने लिया है वाई एक्सिस पे क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्वान्टिटी है टाइम के साथ साथ डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज़ होगा ना तो इसलिए ये हम हम इनके दरम्यान में ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे ये आगे डिफरेंट केसेज हैं इसके अगर हम स्पीड और अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे ना तो उससे हमारे पास जो ग्राफ बन रहा होगा जिस भी टाइप का ग्राफ बन रहा होगा वो हमारे पास स्पीड का ग्राफ बन रहा होगा ठीक है हमारे हम हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ठीक हो की बात और अगर हमारे पास डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो फिर उससे हम विलास की विलासिटी फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट टेस्ट है आपके लिए इन सारी डेफिनेशंस का पोजीशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एक्सलरेशन इनकी डेफिनीशन को आपने अच्छे से याद करना है और डेफिनीशन के साथ जो इनके यूनिट्स थे ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं फार्मूला जो था वो भी इंक्लूड होगा टेस्ट में यानी अगर मैं आपको स्पीड की डेफिनेशन दे रही हूँ तो आपने स्पीड की डेफिनेशन भी लिखनी है साथ में उसका फार्मूला भी लिखना है उसका ऐसा यूनिट भी लिखना है स्केलर क्वान्टिटी है वैक्टिक क्वान्टिटी है वो वो भी मैंशन करना है फिर आपका ये इस आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे अभी हमने सिर्फ इसका ग्राफिकल वे को डिस्कस किया इंशाल्लाह डिफरेंट केसेस हम इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डिफरेंट केसेस स्टिल इफ देर विल बी एनी कन्फ्यूजन और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अल्लाह हाफिज़